The question was like you need to enter some value from the command line argument and you need to display the sum of that. अब ये इस क्वेश्चन को आपको करना हो तो आप कैसे करोगे भाई? आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट से कुछ वैल्यू डालनी है और जितनी वैल्यू डालनी है उसका सम निकालना है. दैट वॉज द क्वेश्चन. सो यदि मैं इस काम को करूँ तो आप कैसे करोगे? मेरा क्वेश्चन ये था. आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल. फाइल वॉज p9. It was P10. हाँ, तो अभी प्रीवियसली हमारा जो कमांड प्रोग्राम था, क्वेश्चंस था कि भाई आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट से यू नीड टू एंटर सम वैल्यू एंड यू नीड टू डिस्प्ले द सम ऑफ दैट. अब आप इस काम को कैसे करोगे? कमांड लाइन से वैल्यू एंटर करनी है, उसका सम निकालना है. तो सब कुछ ठीक है भाई, फॉर लूप हमारा चलेगा. बस हमें केवल यहाँ पे ध्यान रखना है एक वेरिएबल लेना होगा. तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ. मैं बोलता हूँ int sum इज इक्वल टू 0. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ sum इज इक्वल टू सम प्लस जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो, उस जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो, इस वैल्यू को क्या करोगे, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि कमांड लाइन आर्गूमेंट में क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है ना ये. तो मैं यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, इंट डॉट पास. अब मैं यहाँ पे इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ और ये हमारा सम निकाल लेगा. सम निकालने के बाद जब लूप से बाहर हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं सम को, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन. मैं यहाँ पर बोलता हूँ सम इज इक्वल टू और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ प्लस सम. तो जो भी आपने वैल्यू दिया उसका वो सम निकाल के दे देगा. अगर मैं इसे रन करूँ, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट. अगर डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर I'm just going to change this font and all. अभी आप यहाँ पे कौन से ड्राइव में हो? सी ड्राइव में. मैं ई ड्राइव में आ जाता हूँ. माई वॉट वॉज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? इट वॉज csc p10.cs. अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ p10 और मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ 22, 33, 44, 55, 66. जितने वैल्यू मैंने दिया उसका वो सम निकाल के दे देंगे. तो आपने क्या करा यहाँ पे? जो भी आपने वैल्यू एंटर करा, इस वैल्यू को आपने लूप के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करा. और चूंकि ये स्ट्रिंग दे रहे हो भाई, हम दे तो नंबर रहे हैं लेकिन ये नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग में सब कुछ आता है जो भी आप कीबोर्ड से डालते हो. तो हम यहाँ पे इस स्ट्रिंग को हमने क्या करा, यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने सम करवाया और लूप के बाहर हमने यहाँ पर सम को डिस्प्ले करा दिया. अब हमारा ये सम आ रहा है यहाँ पर. तो इस तरीके से हम लोग कमांड लाइन आर्गूमेंट को यूज़ करते हैं. अब आइए इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सेव एज पी 11.cs. अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की. और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको सभी जगह यूज करना है, चाहे वो जावा हो, चाहे वो .NET हो, चाहे वो पाइथन हो, कहें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. तो मैं अभी कोशिश करता हूँ कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं समझा दूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके बाद इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं फिर वर्क करने नहीं जा रहा हूँ. देखें, अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में. उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसका मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देखो जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग. ये जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो दो तरीके की होती है. एक को हम बोलते हैं फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग. ये जो हमारा फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है उसमें आप फंक्शन के ऊपर बेस्ड करके प्रोग्राम करते हो. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूँ सी में आप क्या करते हो, जो हमारी सी लैंग्वेज है, सी के अंदर आप क्या करते हो भाई, आप हैश इंक्लूड वगैरह डालते हो, फिर अपना मेन मेथड लिखते हो, अपना काम करते हो. तो एक होता हमारा फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग, मेन हमारा वहाँ पे क्या है, मेथड. तो एक जो हमारा फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है, फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारी कोड होती है वो फंक्शन के ऊपर बेस्ड होती है. और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मॉडर्न जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करती हैं, चाहे वो आपका C++ हो, चाहे वो आपका जावा हो, चाहे वो आपका C# हो जो हम .NET यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारा पाइथन हो. दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाँ, C++ के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
मैं सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं मानता। सी प्लस प्लस के बारे में मेरा विचार यह है कि ये जो सी प्लस प्लस होता है, नॉर्मली बुक्स वगैरह में रहती हैं कि सी प्लस प्लस इज ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट मेरा मानना ये नहीं है। मैं इसे मानता हूँ फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। ये फंक्शन बेस्ड होता है जो फंक्शन के ऊपर काम करता है, हैविंग सपोर्ट फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, हैविंग सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मतलब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का फीचर यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कर सकते हैं, मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट का सपोर्ट है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्राइमरी है वो फंक्शन बेस्ड कोडिंग ही है। यहाँ पे भी सारा कुछ बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जावा की, यदि मैं बात करूँ सी शार्प की, तो ऑलवेज आपको क्लासेज वगैरह बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना क्लास का भी आप काम कर सकते हो। तो मोरलेस हमारा मानना यह है कि सी प्लस प्लस बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट हैविंग सपोर्ट फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। चलिए, अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है इसका मतलब क्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये दो टर्म समझने होंगे। एक हमें समझना होगा क्लास और दूसरा हमें समझना होगा ऑब्जेक्ट। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, जिससे मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, जो मेरे आँखों के सामने है, वो एक ऑब्जेक्ट है। आप क्या हो? एक ऑब्जेक्ट हो। मैं क्या हूँ? एक ऑब्जेक्ट हूँ। ये कंप्यूटर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये मोबाइल क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। और दुनिया की जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो किसी न किसी क्लास से बिलोंग करती है। मैं ऑब्जेक्ट हूँ किस क्लास का? टीचर क्लास का। आप ऑब्जेक्ट हो कौन से क्लास का? स्टूडेंट क्लास का। ये मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है कौन से क्लास का? इलेक्ट्रॉनिक क्लास का। ये कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है कौन से क्लास का? अगेन इलेक्ट्रॉनिक क्लास का। तो क्लास का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं क्लास, याद रखना, अभी मैं नॉन टेक्निकल टर्म में बात करूं कि भाई क्लास का क्या मतलब है, तो क्लास का मतलब होता है क्लास इज बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ द ग्रुप हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी। एक ही तरह के प्रॉपर्टी वाले जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, उसी नाम को हम क्लास बोलते हैं। अब जैसे मान लो मैंने बोला स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट का मतलब क्या भाई? जो बच्चे हों, पढ़ाई लिखाई करते हों, जो स्कूल कॉलेज जाते हों, जिनको जॉब की टेंशन हो, हालांकि आज के स्टूडेंट्स को बहुत सारा टेंशन होता है इसके अलावा भी, लेकिन तब भी, मतलब स्टूडेंट क्लास का मतलब क्या है? स्टूडेंट क्लास का मतलब है मेनली भाई देखो विद्यार्थी, स्टूडेंट छात्र जो पढ़ाई करते हो, और टीचर क्लास का मतलब जो पढ़ाते हो। तो मेरे कहने का मतलब दुनिया में जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं उनको आपने एक ग्रुप बना दिया, एक नाम दे दिया टीचर। दुनिया में जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उनको आपने एक ग्रुप बना दिया, एक नाम दे दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इज बेसिकली व्हाट? इट्स ए क्लास। टीचर इज व्हाट? इट्स ए क्लास। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदू, हम लोग बोलते हैं मुस्लिम, हिंदू इज व्हाट? हिंदू इट्स ए क्लास। भाई वैसे लोग जो मंदिर जाते हैं, टीका वगैरह लगाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सारे लोग हमारे हिंदू हैं। और जो मस्जिद जाते हैं, जो नमाज़ अदा करते हैं, जो जुम्मे की नमाज़ रखते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, वो क्या है? मुस्लिम है। बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ ग्रुप। तो मुस्लिम क्या? इट्स ए क्लास। हिंदू क्या? इट्स ए क्लास। स्टूडेंट क्या? इट्स ए क्लास। जो हम लोग बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं भाई, अब जैसे मान लो कोई बोलता है जी मैं कांग्रेसी हूँ, कोई बोलता है जी मैं बीजेपी से हूँ, मैं बीजेपी की बात हूँ, तो बीजेपी क्या है? बीजेपी करके कुछ मिलेगा क्या? सड़क पे मैं जाऊँ और मैं बोलूँ बीजेपी बीजेपी, कोई सुनेगा मेरी बात को क्या? तो मेरे कहने का मतलब बीजेपी क्या है? इट्स ए नेम ऑफ द ग्रुप। वैसे तमाम लोग जो बोलते हैं भाई वो राष्ट्रवादी हैं, वैसे तमाम लोग जो सोचते हैं वो राष्ट्र की बातें करते हैं, वो जो तमाम लोग हैं वो हमारे क्या है भाई, उनका एक ग्रुप बन गया भाई, वो बीजेपी वाले हैं जो हिंदू विचारधारा की बात करते हैं। और एक तरफ हमारा ये कांग्रेस है जो सेकुलरिज्म की बात करता है। भाई अब देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे कांग्रेस है बेसिकली क्या है, ये बहुत सारे विचारधाराओं को मिलके एक ही तरह के चीज़ों को मानने वाले लोगों का एक ग्रुप है। उस तो मेरे कहने का मतलब जब हम बात करते हैं क्लास की, तो क्लास बेसिकली क्या है? इट्स ए नेम ऑफ ग्रुप हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी, नंबर वन। नंबर टू, जो क्लास होती है वो क्या है? एक लॉजिकल एंटिटी है। लॉजिकल एंटिटी मतलब जो दिखता नहीं। यदि मैं बोलूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट करके कुछ नहीं होता भाई, नरेंद्र होता है, कृतिका होती है, एंड नरेंद्र कृतिका इज व्हाट? दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? फिजिकल होता है। और जो क्लास होता है वो क्या होता है? लॉजिकल होता है।
class is what? It's a name of group having the similar property. It's a name of group. Name of group having similar property. Having similar property. एक ही तरह के प्रॉपर्टी वाले को नाम दे दिया जाता है, उस नाम को हमने क्या बोला? मैंने बोला क्लास। अभी मैं इसको टेक्निकल टर्म में बोलूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट, दुनिया का कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसकी क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टी होगी? रोल होगा, नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका कोर्स होगा, कौन से कोर्स में इन्वॉल्व है। अभी मान लो मैं बोलता हूँ टीचर, टीचर क्या है? इट्स ए क्लास। अब दुनिया का कोई भी टीचर होगा तो उसका भी कोई नाम होगा, कोई कॉलेज वगैरह होगा जहाँ से वो जुड़ा हुआ होगा, या स्कूल होगा या कॉलेज होगा, कुछ होगा। अब जैसे मान लो उसका अपना एक्सपीरियंस होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे सिमिलर, मतलब दुनिया में जितने भी टीचर हैं उनके पास कम से कम ये बातें तो होंगी, दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी कम से कम ये बातें तो होंगी। स्टूडेंट है मतलब कोई ना कोई कोर्स कर रहा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहा होगा, उसका कुछ नाम होगा, उसका कुछ रोल होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्लास इज बेसिकली इट्स ए व्हाट, इट्स अ नेम ऑफ ग्रुप हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी। और याद रखना ये जो क्लास होता है ये एक लॉजिकल एंटिटी होती है, इट्स ए काइंड ऑफ लॉजिकल एंटिटी, ये एक लॉजिकल एंटिटी होती है। लॉजिकल एंटिटी का मतलब क्या? जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्टिंग रियल, नॉट एग्जिस्टिंग रियल। तो ये होता है हमारा क्लास। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये फिजिकल एंटिटी होती है, इट्स ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस मतलब क्लास तो हमारा लॉजिकल है, उसका जो फिजिकल प्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंस। तो इट्स एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये क्लास का एक इंस्टेंस होता है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, अब ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में हमारा कोई भी हो सकता है। मान लो स्टूडेंट है आकृति, मान लो हमारा स्टूडेंट है कृतिका, मान लो हमारा स्टूडेंट है यहाँ पे नरेंद्र। तो ये जो लोग हैं, अब जैसे आकृति है या कृतिका या नरेंद्र है, इनका रोल होगा, उसका नाम होगा, ये कोई बीटेक कर रहे होंगे, कोई एमसीए, इनका अपना कोर्स होगा। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सो आकृति इज बेसिकली व्हाट, सी इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास स्टूडेंट। कृतिका इज व्हाट, सी इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास स्टूडेंट। नरेंद्र इज व्हाट, सी इज द, ही इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास स्टूडेंट। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ टीचर, तो दुनिया में जितने भी टीचर होंगे, मान लो मैं अपना नाम डाल देता हूँ टीचर के तौर पे, वैसे मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता लेकिन तब भी डाल रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मनोज, सो मनोज इज व्हाट, इट्स द इंस्टेंस ऑफ द टीचर क्लास, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। सो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा इंस्टेंस होता है, कौन से क्लास का? किसी पर्टिकुलर क्लास का। अच्छा, अब यदि इंटरव्यू में आपसे कोई सवाल कर रहा है कि भाई क्लास क्या होता है, तो ये ठीक है, आपने देसी स्टाइल में आपने बता दिया क्लास का मतलब क्या है, आपकी भावना सही है, लेकिन आपके सही भावना से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू गिव द टेक्निकल डेफिनेशन। सो क्लास को यदि मैं टेक्निकली डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, हैविंग हैविंग सम एट्रीब्यूट्स, सम एट्रीब्यूट्स। नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर में जिसको तुम लोग वेरिएबल बोलते हो उसको यहाँ पर हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में जिसको तुम वेरिएबल बोलते हो यहाँ पर एट्रीब्यूट बोलते हैं। हैविंग सम एट्रीब्यूट्स, सम मेथड्स, नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर में जिसको तुम लोग फंक्शंस बोलते हो यहाँ पर हम लोग उसको मेथड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस नहीं बोलते, मेथड बोलते हैं। हैविंग सम एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, याद रखना ये जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं और ये जो हमारे मेथड्स होते हैं, इनको हम लोग कंबाइंड वे में क्लास मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मेंबर्स। इनको हम लोग क्लास मेंबर्स बोलते हैं। ये क्लास के मेंबर है ना, वही क्लास के अंदर है तो क्लास के मेंबर है। अब जैसे एग्जांपल, तो मैंने बोला कि इट्स ए काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, हैविंग सम एट्रीब्यूट, सम मेथड्स एंड ऑल। ये देखो, ये जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्लास, मैं बोलता हूँ क्लास स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट क्लास के अंदर में मान लो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ भाई, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ आईएनटी रोल, स्टूडेंट है तो उसका रोल होगा। मान लो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ उसका स्टूडेंट है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग नेम। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोई मेथड बनानी है, कोई फंक्शंस बनानी है। मैं यहाँ पर बोलता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले हमारा यहाँ पे क्या है, ये एक मेथड है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो हमारा डिस्प्ले है ये क्या है, मेथड है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये मेथड है। और ये जो हमारा रोल है, ये जो हमारा नाम है, ये रोल और नेम हमारे क्या है, इसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। और
अल्टीमेटली ये है कहाँ पे, क्लास के अंदर ही तो है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लास मेंबर्स, जो क्लास के अंदर अवेलेबल हो। तो ये होता है हमारा क्लास। क्लास बेसिकली यदि आपको कोई बोले भाई क्लास क्या होता है, तो आप टेक्निकली क्या बोलोगे, इट्स ए काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यदि आप उसे समझाना चाहते हो तो वही सारी बातें बता दो जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट्स इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये हमारा क्लास का इंस्टेंस होता है। याद रखना ये जो होता है हमारा फिजिकल एंटिटी होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है इट्स अ फिजिकल एंटिटी ऑफ क्लास, इट्स अ फिजिकल एंटिटी ऑफ क्लास। ये क्लास का फिजिकल एंटिटी होता है, क्लास का फिजिकल एंटिटी होता है। फिजिकल एंटिटी मतलब जो एग्जिस्ट करता है रियल में। अब तुम यहाँ पे बोलोगे भाई हम अपने प्रोग्राम के अंदर उप्स क्यों अप्लाई करें, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी हैं उनके अंदर उप्स क्यों होता है। अब जैसे कई लोग आपसे सवाल कर सकते हैं, ये बता दो उप्स का फुल फॉर्म क्या है। भाई तुम बोलोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या है। देखो जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स होता है तो यहाँ पे एस लगता है, इसलिए लोगों ने यहाँ पे इसे डाल दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो इसका मतलब यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है, इसका एक ही फ़ायदा होता है, और क्या फ़ायदा होता है, रीयूजेबिलिटी। इसका एक ही फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या, अब देखो मैंने केवल एक स्टूडेंट क्लास बनाया, इस स्टूडेंट क्लास के लिए मैं 1000 ऑब्जेक्ट बना लूँ या 10,000 बना लूँ या लाख बना लूँ या मिलियन बिलियंस जितना भी आप बनाना चाहो, तो मैं चाहे जितना भी ऑब्जेक्ट यूज कर लूँ, मैंने दुनिया के सारे स्टूडेंट के लिए मैंने एक क्लास बना दिया और इसी से हमारा काम हो जाएगा। मुझे अलग से प्रॉपर्टी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे आकृति के लिए अलग से रोल डिफाइन करना होता, कृतिका के लिए अलग से रोल डिफाइन करना होता, नरेंद्र के लिए अलग से रोल डिफाइन करना होता, तो वो रोल वगैरह डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं। तो इसका फ़ायदा क्या है, रीयूजेबिलिटी। आपने एक बार क्लास बनाया, उसके अंदर एट्रिब्यूट डाल दिया, अब एक क्लास के आप मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जितने भी हमारे मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि ये रियल लाइफ एंटिटी को लेकर काम करता है। मतलब आज के डेट में भाई देखो हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप इसको ऐसे समझो जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट क्या होगा भाई, किसी एम्प्लॉय के ऊपर बेस्ड होगा, किसी लाइब्रेरी के ऊपर बेस्ड होगा, किसी स्कूल्स के ऊपर बेस्ड होगा, किसी स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड होगा। तो मुझे बार बार वेरिएबल्स वगैरह ना डिक्लेयर करना पड़े, मैं कुछ ऐसा चीज़ बना दूंगा जिसे बार बार यूज़ करता हूँ। तो भाई मैंने क्लास बना दिया और उसे मैं बार बार यूज़ कर लूँ। अब आइए क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो ये समझना, ये उप्स के की कॉन्सेप्ट हैं। जो इंटायर जो कम्प्लीट उप्स है वो उप्स का जो बेसिक्स है वो चार चीज़ों के ऊपर पूरा उप्स बेस्ड है हमारा। देखो एक होता हमारा एब्स्ट्रैक्शन, एक होता हमारा एब्स्ट्रैक्शन, एक होता हमारा इनकैप्सुलेशन, एक होता हमारा एब्स्ट्रैक्शन, एक होता हमारा इनकैप्सुलेशन, एक होता हमारा इनहेरिटेंस, और एक होता हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये चार पिलर हैं पूरे उप्स के। आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज उप्स को सपोर्ट करता है या नहीं। यदि किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब वो उसको सपोर्ट करता है। अब सबसे पहला चीज़ जो है यहाँ पे, जहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है वो ये दो चीज़ों को समझने में, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। लोग आसानी से समझ जाते हैं, इसमें इंटरव्यू तक परेशान रहते हैं वो होता क्या है। आज मैं आपको क्लियर कर दूँ इन दोनों का मतलब क्या है। देखो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ओके सपोज करो हमारे पास मोबाइल है, यदि मैं मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल में तुम्हें दिखता क्या है, केवल तुम्हें स्क्रीन दिखता है, जो डिस्प्ले एरिया है उसकी बैक कवर दिखती है, जब आप बैक करते हो उसका बैक पोर्शन दिखता है, आपको टच स्क्रीन दिखती है, दैट्स इट। आपको ये दिखता है क्या, उसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है मोबाइल के अंदर, उसके अंदर रैम लगा हुआ है वो दिखता है क्या, मोबाइल के अंदर अलग अलग वहां पे चिप लगे हुए हैं वो आपको दिखता है क्या, नहीं ना। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। सपोज करो मैं कार की बात करता हूँ, कार में आपके सामने क्या होता है, आपके सामने बस वही जो उसकी कार की बॉडी होती है, लेकिन उस कार के अंदर जो इंजन है, इंजन के अंदर जो इक्विपमेंट लगे हैं वो आपको दिखते हैं क्या, नहीं ना। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, हमें किसी भी क्लास के अंदर, देखो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाउ टू बिल्ड ए क्लास, आप क्लास बनाओगे कैसे। अब जब तुम क्लास बनाओगे तो क्लास बनाते वक्त तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें कुछ चीजों को दिखाना होगा, कुछ चीजों को छिपाना होगा।
अब जैसे मान लो मैं बात करता हूँ, तो मोबाइल, यदि मान लो मोबाइल में ऐसा होता कि तुम्हें मोबाइल में सारी चीज़ अपने हाथ में लेके चलना होता, मतलब मोबाइल की जो चिप है, मोबाइल की जो रैम है, मोबाइल की जो मदरबोर्ड है, मोबाइल का जो डिस्प्ले है, मोबाइल का जो स्पीकर है, तुम्हें सारा कुछ अपने हाथ में लेके चलना होता, तो सोच सकते हो कई लोगों का क्या हालत होता। अरे मान लो हर एक चीज़ हमें हाथ में रख के बात करना हो, भाई आपके पास मोबाइल का रैम है, चिप है, मदरबोर्ड है, टच स्क्रीन है, सारा चीज़ आप अपने हाथ में रखते फिर काम करते, 99% लोग तो कर ही नहीं पाते। कभी रैम गायब हो जाती है, तो कभी चिप गायब हो जाती है, कभी मदरबोर्ड गायब हो जाती है, भाई लोग भूलते भी तो हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है क्लास के अंदर किन चीज़ों को दिखाना है और किन चीज़ों को हाइड करनी है। देखो जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाउ टू बिल्ड ए क्लास, हाउ टू बिल्ड ए क्लास, क्लास को हम बिल्ड कैसे करेंगे। और जब हम क्लास को बिल्ड करेंगे तो नेचुरली वी नीड टू पुट सम मेंबर्स, वी नीड टू पुट सम मेंबर, वी नीड टू पुट सम मेंबर। और ये जो आप मेंबर पुट करोगे क्लास के अंदर में, मेंबर मतलब वेरिएबल्स एंड ऑल, तो उसमें कुछ मेंबर को आपको शो करना होगा और कुछ मेंबर को हाइड करना होगा। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है वो हमें ये बताता है कि व्हाट यू नीड टू डिस्प्ले एंड व्हाट यू नीड टू हाइड, किन चीज़ों को डिस्प्ले करना है, किन चीज़ों को बचा के रखनी है। भाई इन्हीं चीज़ों से तो मिल के हमारा क्लास बनता है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाउ टू बिल्ड ए क्लास। और जब आप क्लास को बिल्ड करोगे, मल्टीपल मेंबर्स विल बी देयर, वहाँ पे कई सारे मेंबर्स होंगे, तो किन मेंबर को शो करना है, किन मेंबर को हाइड करना है, दैट्स प्रोसेस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर? अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक इम्प्लाई क्लास बना रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक इम्प्लाई क्लास बना रहा हूँ। अब इम्प्लाई क्लास के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इम्प्लाई क्लास हमारा। अब इम्प्लाई क्लास के अंदर में मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ पब्लिक, पब्लिक मतलब जो क्लास के बाहर विजिबल होगा, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, कोई दिक्कत नहीं, नाम आप दुनिया को बता सकते हो, लेकिन मैं सैलरी के लिए पब्लिक नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा प्राइवेट INT सैलरी। क्यों? सैलरी एक ऐसी चीज़ है कोई किसी को नहीं बताता, सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो तुम किसी से भी पूछोगे ना, तो सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो लोग नॉर्मली नहीं बताते। अभी तुम किसी से पूछ के देखना, अभी उसकी सैलरी मैं जानता हूँ ना, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनकी सैलरी होती है, मुझे पता है, मैंने जॉब लगवाई है, मुझे पता है इसकी सैलरी 10,000 है। अरे मैं पूछता हूँ, हाँ भाई कितनी सैलरी मिलती है आजकल, बोलेगा सर इट्स अराउंड 15,000 सर। अच्छा, अभी किसी से बोलो भाई सैलरी पैकेज क्या है, तुम्हें पता है उसका पैकेज जो है 3 लाख पर है ना, वो बोलेगा नहीं नहीं इट्स सर 5 लाख पर है ना। बाद में अधिक गलती से तुम बोल दोगे काम करना, अपना सैलरी स्लिप दिखा दो, बोलेगा नहीं सर अभी ये आ रहा है, बाद में भर जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब सैलरी हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते, हाँ नाम को हमें डिस्क्लोज करना है। तो ये जो हमारा सैलरी है ये हमारे क्या है, इसे हमें प्राइवेट बना के रखना है। तो ये जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि नहीं ये हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मुझे इसे शो नहीं करना। ओके, नाम तो दुनिया जानना चाहिए भाई, लोगों का नाम तो पता ही होना चाहिए किसका क्या नाम है, तो ये तो दुनिया जानना चाहिए, तो ये हमें पब्लिक बनाना है, ये हमें प्राइवेट बनाना है। ये जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि आई हैव टू मेक दिस वन एज पब्लिक, आई हैव टू मेक दिस वन एज प्राइवेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हाउ टू बिल्ड ए क्लास। और जब आप क्लास बनाते हो तो क्लास बनता कैसे, क्लास के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मेंबर में किन मेंबर को डिस्प्ले करना है, किस मेंबर को हाइड करना है, ये जो हम लोग डिसाइड करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। नाउ एब्स्ट्रैक्शन के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इनकैप्सुलेशन। देखो इनकैप्सुलेशन सिर्फ और सिर्फ बात करता है हाउ टू प्रोटेक्ट द डेटा, हाउ टू प्रोटेक्ट द डेटा, ये बात करता है कि भाई डेटा को बचाएंगे कैसे, बाहर के दुनिया से डेटा को बचाएंगे कैसे। तो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन में। एब्स्ट्रैक्शन बात कर रहा है क्या दिखाना है क्या रखना है, एब्स्ट्रैक्शन बात कर रहा है क्या दिखाना है क्या हाइड करनी है, और इनकैप्सुलेशन क्या बोल रहा है, इनकैप्सुलेशन बोल रहा है हाउ टू प्रोटेक्ट द डेटा, डेटा को बाहर की दुनिया से बचाएंगे कैसे। तो ये सिर्फ डेटा हाइड करने की बात कर रहा है, इनकैप्सुलेशन मतलब हम बात कर रहे हैं डेटा हाइड करने। और तुम बोलोगे सर डेटा को हाइड कैसे करेंगे, ये जो हम यहाँ पर प्राइवेट बना रहे हैं क्या कर रहे हैं, डेटा को हाइड ही तो कर रहा है। तो इनकैप्सुलेशन देखो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होता है, डस्ट होता है ना, कैप्सूल ऊपर से पैक होता है, कैप्सूल को कभी खोल के देखो उसमें कैपिंग होती है और बीच में डस्ट होता है। तो डस्ट को क्या कर रखे हो आपने, इनकैप्सुलेट मतलब आपने उसको कवर अप कर रखा है। तो इनकैप्सुलेशन मतलब हाउ टू प्रोटेक्ट द डेटा,
हाउ टू हाइड द डेटा, एंड हाउ टू हाइड द डेटा, आप यहाँ पे प्राइवेट बना रहे हो, क्या कर रहे हो, हाइड नहीं तो कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है इनकैप्सुलेशन इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू हाइड द डेटा, हाउ टू प्रोटेक्ट द डेटा। एब्स्ट्रैक्शन इज टॉकिंग, इट्स एब्स्ट्रैक्शन एक बड़ी चीज़ है, ये बात कर रहा है क्या दिखाना है क्या रखना है। ये नेताजी टाइप लोग हैं, ये बोलता है भाई हम देसी लोग हैं यार, मुझे ये बता दो डेटा को हाइड कैसे करना है। ठीक, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है देयर विल बी द पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। यहाँ पे पेरेंट क्लास होगा एंड चाइल्ड क्लास होगा। मुझे एक बात बताओ भाई, आज के डेट में आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो किसका है? वो आपका है क्या? आपने कमाया है उसे? नहीं ना, वो तो आपके पिताजी ने कमा रखे हैं। अब आप क्या बोलते हो यार, हम लोग लड़ाई होता है तो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, तेरी क्या औकात, तेरी क्या औकात, औकात औकात करते हैं ना। जबकि हकीकत यह है वो हमारी औकात नहीं, हमारे पिताजी की औकात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि भाई यहाँ पे हम पेरेंट एंड चाइल्ड की बात करते हैं। चाइल्ड के पास वो तमाम प्रॉपर्टी होते हैं जो पेरेंट के पास होती है। भाई पिताजी का जिसका भी जो भी माल पानी हो किसका है, आप ही का तो है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। यहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन। मोटे तौर पर यदि मैं बात करूँ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन, तो इसका मतलब होता है चाइल्ड हैविंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो चाइल्ड के होते हैं। हम डिटेल में बात करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? पॉली, पॉली मीन्स मल्टीपल। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी क्या एक स्टूडेंट हो। थोड़ी देर के बाद क्या करोगे? मम्मी के पास जाके बोलोगे मम्मी भूख लगी है खाना दे दो। वहाँ पे आप क्या हो? मम्मी के बच्चे हो। थोड़ी देर के बाद क्या पापा को बोलोगे पापा पैसे भेज दो, तो वहाँ पे आप क्या हो? पापा के बच्चे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वही हो लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम आपके रोल बदलते चले गए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो क्लास के अंदर आप एक स्टूडेंट हो, जब मम्मी के पास जा रहे हो तो आप वहाँ पे मम्मी के बच्चे हो। तो मेरे कहने का आप प्ले ग्राउंड में हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप वहाँ पे क्या हो? प्लेयर हो। तो मेरे कहने का मतलब आपका रोल वही है, आप वही हो लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चीज़ें चेंज होती चली गई आपकी रोल। तो उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है इन मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म में मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ओवरलोडिंग और एक होता है ओवरराइडिंग। ये दो चीज़ें होती हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो उप्स के ये चार की कॉन्सेप्ट हैं, हमेशा याद रखना। इंटरव्यू के अंदर ये दो सवाल आपसे जरूर किए जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, या फिर सामने वाला सवाल कर सकता है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आप ध्यान रखेंगे। ये जो उप्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप जितने भी वीडियो देख लो, जितने भी नोट्स देख लो, समझ में नहीं आता, ये हमेशा परेशान करता है। तो मैंने आपको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। तो मैं काम करता हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, और ये फाइल मैं आप लोगों को मेल भी कर दूँगा। ये जितने भी फाइल हैं ये सारे फाइल मैं आपको मेल भी कर दूँगा। और मेल के अलावा आप एक काम कर सकते हो, यदि गलती से कभी मेल ना मिले तो यहाँ पर मैंने एक अपना ये बना रखा है santoshazael.blogspot.com। ये हमारा ब्लॉगिंग वेबसाइट है, यहाँ पे जितने भी आपके लेटेस्ट नोट्स होंगे और जो वीडियोस होंगे ना मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा। ये santoshblogspot.com, ये हमारी मतलब ब्लॉगिंग साइट है। मैं जो भी कभी कुछ लिखने का मन करता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे डाली हुई जो मैंने डाला है। ये देखो ये 2020 में ये एक ही डाला है अभी, और ये देखो यहाँ पे 2019 में और भी कई सारी चीज़ें। ये देखो जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल्स हैं, पीएल सिक्वल के फंडामेंटल्स हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने इस पर डाल रखी है, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल रखी है, टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज, रो आईडी, रो नम, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये मेरी वेबसाइट है, ये देखो रेफ कर्सर, पीएल सिक्वल फंक्शन, ओरेकल पैकेज, ज्वाइन। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर डाल रखी है। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, santoshazael.blogspot.com ये हमारा URL है, आप इसे याद रखना। तो मैं अभी आपको ये नोट्स आपको मेल भी कर दे रहा हूँ, और ये जितने भी नोट्स हैं मैं इन नोट्स को यहाँ पे पेस्ट भी कर दूँगा, तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, उस नोट्स की वीडियो भी मिल जाएगी। तो कभी यदि नोट्स गैप हो जाए तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये देखो जो शुरुआत वाले आपके सेशन थे वो सारे यहाँ पे हैं, जो मैंने शीशार पकड़ा के क्लास लिए होंगे वो यहाँ पर डाल रखे हैं मैंने यहाँ पर। आज के डेट में देखो हर एक चीज़ हाईटेक हो रहा है भाई, इट्स नॉट ओनली द मेल, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, नोट्स आपके पास अवेलेबल है। अरे नोट्स आपका खो जाता है भाई, गुम हो जाता है नोट, तो क्या करोगे? आप इस वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ पे सब अवेलेबल है। तो संतोष एजाइल
santoshazael.blogspot.com, इसको याद रखना, इस पर आपको सारा नोट्स वगैरह मिल जाएगा। और इस नोट्स के साथ अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो, काम खत्म। इट्स क्लियर।